हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए आर्टिकल राइटिंग बताने वाले हैं। ये आर्टिकल राइटिंग पेपर में 10 नंबर का आता है और आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और आज की इस वीडियो में आपको 8 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताएंगे कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी में से काफ़ी चांस है कि इसी में से फंसने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझ लीजिए, आपको आर्टिकल राइटिंग कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखना है और डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिखना है या ऑटोबायोग्राफिकल लिखना है या आर्ग्यूमेटिव आर्टिकल लिखना है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखेंगे कितने वर्ड्स में लिखना है, अगर हेडिंग लगा के लिखते हैं तो क्या सही होगा या गलती, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो कितने शब्द में लिखेंगे, 100 से लेकर के 150 शब्द में, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। बोर्ड के द्वारा ये अलाउ है, आपको वहाँ पर मिलेगा कि 100 से लेकर के 150 शब्दों में आर्टिकल लिखिए और अच्छे से लिखेंगे तो वहाँ पे 10 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से अच्छे से टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड में आने का काफ़ी उसका चांस है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ। द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या, काफ़ी वायरल टॉपिक है। हर एक साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाबू, अच्छे से इसको समझ करके पढ़ना है, ठीक है। और इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि कैसे लिखना है, ठीक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा। ये हर एक साल पेपर में ये पूछता है, वायरल टॉपिक, और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाए हैं, अच्छे से इसको तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेररिज्म, जो देख रहे हैं ना, आतंकवाद पे पेपर में पूछता है कि आतंकवाद पे आप आर्टिकल लिखिए, क्योंकि हमारे देश में आतंकवाद काफ़ी फैल रहा है और इसी का निवारण के लिए जो है बोर्ड एग्जाम में इसको दिया जाता है, ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ के पढ़ें और कुछ इससे सीखें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और वायरल टॉपिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं पेपर में आने का काफ़ी चांस है, अच्छे से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं इसको स्क्रीन शॉट मारने का चांस भी दूंगा, PDF भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला जो है आपका राइजिंग प्राइसेज, इसको बोलते हैं बढ़ती महंगाई। आजकल देख रहे हैं कि हर एक चीज़ का जो कीमत है कुछ दिन के बाद बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं इसी पर पेपर में हर एक साल पूछ रहा है, बढ़ती महंगाई पे। अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, रेजिंग प्राइजेज। अगला जो टॉपिक है बाबू, रीडिंग बुक्स प्लीजर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने का आनंद। इस पर पूछता है कि आप आर्टिकल लिखिए, अच्छे से इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना। अगला जो है आपका योर एम इन लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पे आपको पेपर में पूछता है आपके जीवन के लक्ष्य पर। आप ये इस तरीके से टॉपिक दे देगा और इस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल और कूद का महत्व। इस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए पेपर में आएगा, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना। अगला जो टॉपिक है ये देखिए टेररिज्म, इसको हम 2 बार लिखे हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना, काफ़ी ये वायरल टॉपिक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट वाला जो है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, मतलब कह रहा है कि लॉन्ग हेल्दी लाइफ हम लोग कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में आपको टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है। टोटल 8 टॉपिक बताए हैं, अच्छे से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस टॉपिक पे आप आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा।
अब चलिए हम बता रहे हैं फर्स्ट नंबर जो आपको बताए थे उस टॉपिक पे आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो टॉपिक है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे आप कैसे आर्टिकल लिखेंगे, देखिए पैराग्राफ वाइज आपको आर्टिकल बताया गया है, ठीक है ना। द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यहाँ पे बाई करके, यहाँ पे बाई करके एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बाई करके एक्स वाई जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, या बाई करके कुछ नहीं भी लिखेंगे, सेम यहाँ पे हेडिंग लगा के और जो भी टॉपिक है इसके विषय में लिख देंगे तो भी सही है, या बाई करके एक्स वाई जेड या पी क्यू आर या ए बी सी डी करके लिख देंगे ABC तो भी सही है, ठीक। अब चलिए द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या पे कैसे लिखेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा मेन जो इंट्रोडक्शन के रूप में है उस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, कि हम लिख रहे हैं भारत में प्रदूषण की समस्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टूडे, बोल रहा है कि द पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या हैज़ बिकम, बन चुका है वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर टूडे, आज कह रहे हैं कि आज प्रदूषण की जो समस्या है काफ़ी गंभीर बन चुका है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे मैन है बाबू, ठीक है, मैन, मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर, मनुष्यों ने क्या है, मनुष्यों ने प्रकृति के साथ काफी हस्तक्षेप किया है। देखिए मनुष्य ने जो प्रकृति ने दिया है उसको क्या कर दिया, उजाड़ बसा दिया है और अपना वाली कर दिया है। जैसे कि आप दुबई में देखे ना, वहां पे आर्टिफिशियल बारिश करा करके वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, ये सारी चीजें मनुष्यों ने ऐसा कर रहा है, ठीक। आगे देखिए यहाँ से एज अ रिजल्ट, इसी का परिणाम है कि एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉइल ETC हैज बीन पॉल्यूटेड, ध्यान रखिएगा इसी का रिजल्ट है कि देखिए हवा पानी मिट्टी ये सारी चीजें क्या हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है मतलब प्रदूषित हो चुकी है। अब इतना लिख लेंगे मेन टॉपिक हो जाएगा ना। आगे देखिए अब यहाँ से नीचे पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा बाबू, काइंड ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार से प्रदूषण फैल सकता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। चलिए देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, यहाँ कई तरह के प्रदूषण के प्रकार हैं, जैसे कि लिखेंगे पहले नंबर में एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण लिखेंगे, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। दूसरा नंबर पे लिख देंगे वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। थर्ड नंबर लिखेंगे बाबू नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, या एक और भी लिख सकते हैं यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल पॉल्यूशन यानी कि रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं तीन ही बताया हूँ, ज़्यादा भी नहीं लिखना है क्योंकि आपको 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। चलिए अब क्या करना है, एयर पॉल्यूशन जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा दे देना है, एक दो लाइन इसके बारे में बता देना है, फिर इसी वाटर पॉल्यूशन, फिर इसके बाद नॉइस पॉल्यूशन, दो दो लाइन इसके बारे में बता के आगे बढ़ना है, ठीक। और ऐसे ही आपको भी पेपर में लिखना होगा। चलिए अब एयर पॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे बाबू, हेडिंग तो ऐसे मान लीजिए कि हेडिंग नहीं है, लेकिन एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज मिल्स वर्कशॉप ETC, कह रहे हैं देखिए कि एयर पॉल्यूशन जो है वायु प्रदूषण, ये एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज बाय द, यानी कि वायु प्रदूषण का मुख्य रूप से कारण यह है, स्मोक कमिंग आने वाले जो धुएं हैं कहाँ कहाँ से, आउट ऑफ द चिमनीज, जहाँ पे ईंटा वगैरह पकता है चिमनी से धुआं निकलता है, फैक्ट्री में जहाँ मतलब कारखाने में कार्य होता है वहाँ भी धुआं निकलता है, मिल्स जो हैं वहाँ से भी, वर्कशॉप जहाँ पे है वहाँ से भी, मतलब कि जहाँ से धुआं निकल रहा है ये सारी चीज का यही कारण है कि वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ETC लिख लीजिए, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाला टॉपिक है बाबू वाटर पॉल्यूशन, क्या है वाटर पॉल्यूशन, चलिए ध्यान दीजिएगा, वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, जल कैसे प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में बस दो चार लाइन लिख दीजिएगा इसके बारे में, ठीक। जैसे लिखेंगे वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, कह रहा है कि जीवन का आधार जल ही है, या बोल सकते वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ,
यानी कि जल ही जीवन है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बट लेकिन ग्रीड ऑफ माइंड, कुछ लालची भी व्यक्ति है, कुछ लालची व्यक्ति टू गेट मोर एंड मोर, अधिक से अधिक मनी यानी कि पैसा पाने के चक्कर में पॉल्यूटेड इट, यानी कि इसको क्या कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं। ठीक, जैसे कि द ओनर, जो मालिक होते हैं ऑफ इंडस्ट्रीज, कल कारखाने के जो मालिक होते हैं, डम्प्स मतलब फेंक देते हैं वेस्ट, बेकार के मटेरियल्स को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के किसी भी सतह पर कहीं भी, आर या इन द रिवर्स या नदी में कहीं भी। ठीक है ना, इतना लिख देंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला जो टॉपिक है थर्ड नंबर, ध्यान से देखिएगा बाबू, थर्ड नंबर आप देख पा रहे होंगे क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण, जहाँ पे शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है, इसके माध्यम से भी प्रदूषण फैलता है। कैसे, इसके बारे में दो तीन मतलब बातें इसमें इंक्लूड करके लिख देंगे। जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, कह रहा है कि जो नॉइज पॉल्यूशन है यानी कि ध्वनि प्रदूषण है, ये जीवन के लिए खतरा है। ठीक है ना, खतरनाक भी है, खतरनाक है। इट इज सैड दैट, यह कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि नॉइज मोर दैट, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल किज डीफनेस एंड अदर डिजीज, कह रहे हैं बाबू देखिए कि जो नॉइज है, शोरगुल है, मोर देन, अगर अधिक से अधिक 80 डेसिबल से अधिक पार करेगा, जहाँ पे हल्ला गुला 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा, तो वहाँ पे डीफनेस का क्या हो सकता है, बहरापन का कारण उत्पन्न हो सकता है, या अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकता है। इतना बस लिख देंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये तो प्रकार था, ठीक है ना, पॉल्यूशन का, इतना लिख देंगे। चलिए आगे क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान रखिएगा। हाउ, हाउ क्या लिखा है, हाउ टू चेक पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन को कैसे यहाँ पे दूर कर सकते हैं, चेक करके हटा सकते हैं, इस समस्या से निवारण कैसे पाएंगे। चलिए देखिए, टू चेक दिस पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, देयर शुड बी प्लान्ड, एक योजना बनाना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री करके इसका मतलब पता लगा करके, द डेबरिस ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी नॉट बी डम्प्ड ऑन द अर्थ, और किसी भी अन्य प्रकार के बेकार के पदार्थ को पृथ्वी की सतह पर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक, और भी चाहें तो इसमें एक दो लाइन और जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है कि 100 से 150 के बीच में ही हमें रहना है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखेंगे बाबू, कंक्लूजन, कि हमें इस आर्टिकल को पढ़ने से, यानी कि जिस टॉपिक पे हमने आर्टिकल लिखा है प्रदूषण की समस्या पे, कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष, कि हमें क्या सीख मिलती है और आगे हमें इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे, यानी कि निष्कर्ष। कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कह रहा है कि इस समस्या को अपने दिमाग में गंभीरता से लेते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सीट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, कह रहा है इसमें कि इस समस्या को गंभीरता से अपने दिमाग में लेते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को इस जिम्मेदारी सौंप दी है। ठीक है ना, द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और हमारे देश के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है, इससे हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसमें योगदान करना चाहिए, इसकी देख रेख करना चाहिए, और हमें भी सरकार की मदद करना चाहिए इसका रोकथाम करने के लिए। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है बाबू, अच्छे से आर्टिकल के बारे में लिख देंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, और 100 से लेकर 150 शब्दों में लिख देंगे आराम से। आपका जो है मालिक जो है कॉपी चेक करने वाला, वो तो दे ही देगा 10 नंबर। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सभी टॉपिक्स पे सर जी ऐसे ही वीडियो ला दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा, इससे भी बेहतर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है कि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ भाई चाहते हैं फ्री में, तो हैंड रिटन नोट्स भी तैयार है। आप लोग डीके सर क्लासेस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डीके सर क्लासेस, एक बार डीके सर क्लासेस आप जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे डीके सर क्लासेस, वहाँ पे आ जाएगा और आराम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।